प्रिय बच्चों, अभी आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में अध्ययन किया, साथ ही साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव के कौन कौन से नियम हैं इसके बारे में अध्ययन किया था। इस प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियमों को आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण की मदद से समझाया जा सकता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि आइंस्टीन ने प्रकाश का विद्युत समीकरण किस प्रकार से निकाला और उस समीकरण की मदद से हम प्रकाश के विद्युत प्रभाव के नियमों को समझाने में किस हद तक सफल हुए। आइए देखते हैं आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर की। इसके अनुसार प्रकाश विकिरण ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं जिन्हें क्वांटा कहते हैं। प्रकाश विकिरण के एक क्वांटम को फोटॉन कहते हैं जो प्रकाश की चाल से चलता है। फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू समीकरण नंबर एक होती है, जहां एच प्लांक नियतांक 6.63 गुणित 10^34 जूल गुणित सेकंड तथा न्यू प्रकाश विकिरण की आवृत्ति है। आइंस्टीन ने माना कि जब किसी धातु की सतह पर एक उचित आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है तो उसकी सतह से एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। माना कि आपतित फोटॉन की आवृत्ति न्यू है जो धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा E बराबर एच न्यू दो तरीकों से खर्च होती है। पहला, फोटॉन की ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में खर्च होगा जो कि धातु के कार्यफलन के तुल्य है। दूसरा, फोटॉन की ऊर्जा का शेष भाग उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के मैक्सिमम के उच्च बढ़ाने में खर्च होता है। यदि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग V मैक्सिमम तथा द्रव्यमान m है तो अतः k उच्च बराबर k मैक्सिमम बराबर 1/2 m द्रव्यमान और V उसका वेग V मैक्सिमम का स्क्वायर। इसलिए ऊर्जा एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस के उच्च। एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस के उच्च का मान आपने देखा है 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर या के उच्च बराबर 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट। इस फाई नॉट को इधर ट्रांसफर कर दिया, इस फाई नॉट को हमने ट्रांसफर कर दिया। यदि न्यू बराबर न्यू नॉट तो वी मैक्सिमम बराबर वी उच्च बराबर जीरो, तो आपका जीरो इक्वल टू एच न्यू नॉट माइनस फाई नॉट या एच न्यू नॉट इक्वल टू फाई नॉट। ये मान इस समीकरण दो में रख देते हैं। ये मान समीकरण दो में रखने पर रख दीजिए तो आपका हो जाएगा के उच्च, जिसको अपन 1/2 एम वी मैक्सिमम वेलोसिटी है
बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इसी को हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहते हैं। के उच्च बराबर 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, एच प्लांक नियतांक को कॉमन निकाल दिया तो हो गया न्यू माइनस न्यू नॉट। यही आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, जिसमें एम आपतित फोटान का द्रव्यमान, वी मैक्सिमम उसका वेग, एच प्लांक नियतांक, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति और न्यू नॉट तरंग लंबाई है। किंतु आप सभी जानते हैं आवृत्ति न्यू बराबर सी बटे लैम्डा। के उच्च बराबर 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू एच सी बटे लैम्डा माइनस सी बटे लैम्डा नॉट। सी प्रकाश की चाल है। के उच्च बराबर 1/2 एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर बराबर एच सी 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट। तो ये देखो, पहला वाला जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, यह आपका आवृत्ति के पदों में है, ये हमारा तरंग लंबाई के पदों में है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश E व निरोधी विभव V नॉट हो तो के उच्च बराबर EV नॉट इज इक्वल टू H इंटू सी 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट। ये तरंग लंबाई के पदों में आपका आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, और ये आपका आवृत्ति के पदों में तरंग लंबाई का, ये आवृत्ति के पदों में प्रकाश विद्युत समीकरण है। आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं, एच इंटू सी लैम्डा इंटू लैम्डा नॉट, लघुत्तम ले लिया तो हो जाएगा लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा। यहाँ पर जो लैम्डा नॉट है ये दहली तरंग लंबाई कहलाती है, इससे कम तरंग लंबाई का प्रकाश आपतित होने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। तो ये दो शब्द दहली आवृत्ति न्यू नॉट न्यूनतम आवृत्ति, जिसके बाद जिससे ज़्यादा आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, लैम्डा नॉट दहरी तरंग लंबाई जिसके नीचे तरंग लंबाई पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। दहली तरंग लंबाई वह अधिकतम तरंग लंबाई जिससे कम तरंग लंबाई का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। जैसे किसी धातु की दहली तरंग लंबाई 6000 एंगस्ट्रॉम है तो उस पर 6000 एंगस्ट्रॉम से कम तरंग लंबाई का प्रकाश पड़ने पर वह इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगी। आइए अब हम विभिन्न ग्राफ देखते हैं। पहला ग्राफ आवृत्ति न्यू व निरोधी विभव का ग्राफ। आवृत्ति न्यू को एक्स अक्ष पर और निरोधी विभव वी नॉट को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचेंगे। आपने समीकरण में देखा ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, इसे भाग दें वी नॉट इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस फाई नॉट अपॉन ई। यह समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस सी से मिलता है, अतः न्यू नॉट व वी नॉट का ग्राफ सरल रेखा होगा। इस ग्राफ की प्रवणता h बटे ई होगी। अलग अलग धातुओं के लिए न्यू व वी नॉट का ग्राफ समानांतर रेखा होगी, क्योंकि सबकी प्रवणता h बटे ई है। आवृत्ति बढ़ने से आप देख रहे हैं निरोधी विभव बढ़ता है। दूसरा ग्राफ आवृत्ति न्यू और अधिकतम गतिज ऊर्जा।
अब हम आवृत्ति न्यू को एक्स अक्ष पर और अधिकतम गतिज ऊर्जा को वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचेंगे। समीकरण के उच्च बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट के उच्च न्यू समानुपाती है आवृत्ति के। यह समीकरण भी सरल रेखा के समीकरण वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से मिलता है। अतः के उच्च वह आवृत्ति न्यू का ग्राफ भी सरल रेखा होगा जो कि माइनस फाई नॉट अंतःखंड काटेगी। इस ग्राफ की प्रवणता एच है। यही कारण है कि दहली आवृत्ति के नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। तीसरा ग्राफ आवृत्ति न्यू तथा प्रकाश विद्युत धारा आई के बीच। इसमें आवृत्ति न्यू को एक्स अक्ष पर और तीव्रता प्रकाश विद्युत धारा आई को हमने वाई अक्ष पर लिया है। न्यू जीरो पर कोई धारा नहीं बहती। न्यू जीरो के बाद आवृत्ति बढ़ाने पर धारा का मान बिल्कुल नियत बना रहता है। अतः प्रकाश विद्युत धारा आई आवृत्ति पर निर्भर नहीं है यदि तीव्रता नियत है तो। चौथा ग्राफ तीव्रता व निरोधी विभव वी नॉट के बीच। यह ग्राफ बताता है कि निरोधी विभव तीव्रता पर निर्भर नहीं है। तीव्रता का मान कितना भी बढ़ाते जाएं निरोधी विभव नहीं बढ़ रहा है। पांचवा ग्राफ प्रकाश विद्युत धारा आई व समय टी के बीच। समय टी को एक्स अक्ष पर और प्रकाश विद्युत धारा को आई के बीच वाई अक्ष पर लेकर ग्राफ प्लॉट किया गया। ग्राफ आप देख रहे हैं चित्रानुसार प्राप्त हो रहा है। 10 की घात 9 सेकंड के बाद धारा संतृप्त हो गई है। तो प्रकाश विद्युत धारा आपतित विकिरण के 10 की घात 9 सेकंड में संतृप्त हो जाती है चाहे तीव्रता कितनी भी कम क्यों ना हो। आइए देखते हैं आइंस्टीन के समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या। आइंस्टीन के समीकरण के अधिकतम उच्च न्यू एच न्यू माइनस फाई नॉट के अनुसार प्रेक्षण के अनुरूप गतिज ऊर्जा अधिकतम आवृत्ति न्यू पर रैखिकता निर्भर करती है और विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा विकिरण के लिए एकल क्वांटम के अवशोषण से उत्पन्न होता है। विकिरण की तीव्रता जो ऊर्जा क्वांटमों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय के क्रमानुपाती है इस पर मूल प्रक्रिया के लिए असंगत है। दूसरा क्योंकि के अधिकतम ऋण राशि नहीं होगी समीकरण के मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस फाई नाइट में फाई नॉट में यह अंतर्निहित है कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तभी संभव है जब एच न्यू बड़ा हो फाई नॉट से अर्थात एच न्यू ग्रेटर हो एच न्यू नॉट से अथवा न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट जहां न्यू नॉट बराबर फाई नॉट बटे एच। इस समीकरण के अनुसार कार्यफलन फाई नॉट के अधिक मान के लिए प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अथवा दहली आवृत्ति न्यू नॉट का मान अधिक होगा। इस प्रकार एक दहली आवृत्ति न्यू नॉट अस्तित्व में होती है जिससे कम आवृत्ति पर कोई प्रकाश विद्युत उत्सर्जन संभव नहीं है चाहे विकिरण की तीव्रता कुछ भी क्यों ना हो अथवा वह पृष्ठ पर कितनी भी देर क्यों ना पड़े। आइंस्टीन के अनुसार विकिरण की तीव्रता जैसा ऊपर परिलक्षित है ऊर्जा क्वांटा की संख्या प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति इकाई समय के अनुक्रमानुपाती होती है। जितनी अधिक संख्या में ऊर्जा क्वांटा उपलब्ध होंगे उतनी ही अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा
क्वांटा का अवशोषण करेंगे और इसलिए न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट के लिए धातु से बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि क्यों न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट के लिए प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव में एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा प्रकाश के एक क्वांटम का अवशोषण मूल प्राथमिक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया तात्क्षणिक होती है। इस प्रकार तीव्रता अर्थात विकिरण क्वांटा की संख्या चाहे जितनी भी हो, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन तात्क्षणिक ही होगा। कम तीव्रता से उत्सर्जन में विलंब नहीं होगा क्योंकि मूल प्राथमिक प्रक्रिया वही रहेगी। तीव्रता से केवल यह निर्धारित होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस प्राथमिक प्रक्रिया में भाग ले सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ही प्रकाश विद्युत धारा के परिमाण का निर्धारण होता है। समीकरण का उपयोग करके प्रकाश विद्युत समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है के मैक्सिमम बराबर ईवी नॉट, इसलिए ईवी नॉट बराबर एच न्यू माइनस फाई नॉट, न्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू न्यू नॉट के लिए वी नॉट बराबर ई से भाग दे देंगे एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई नॉट। यह समीकरण सरल रेखा के समीकरण वाई बराबर एम एक्स प्लस सी से मिलता है। यह एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वी नॉट के विरुद्ध न्यू का वक्र एक सरल रेखा होगा जिसका ढाल एच बटे ई है, जो कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का परिणाम। प्रकाश विद्युत प्रभाव तभी संभव है जब आपतित प्रकाश ऊर्जा के पैकेट में हो, जिसकी निश्चित ऊर्जा हो और वह धातु के कार्यफलन से अधिक हो। यह घटना यह प्रदर्शित करती है कि प्रकाश तरंग प्रकृति का नहीं है बल्कि वह एक कण प्रकृति का है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में तरंग सिद्धांत की असफलता। हाइगंस का तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकता। इसके निम्नलिखित कारण हैं। पहला कारण, इस सिद्धांत के अनुसार अर्थात तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की ऊर्जा का मापन तीव्रता के पदों में किया जाता है। जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है तो आयाम भी बढ़ता है, अतः ऊर्जा भी बढ़ेगी। जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा सतह पर एक समान रूप से वितरित होती है। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन जो सतह पर हैं उन्हें यह ऊर्जा मिलती है और सतह से बाहर आते हैं। जब अधिक तीव्रता का प्रकाश धातु सतह पर पड़ेगा तो उसकी सतह पर अधिक ऊर्जा वितरित होगी जो उन इलेक्ट्रॉनों को मिलेगी, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए। परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं है, जबकि तरंग सिद्धांत अनुसार गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर है। दूसरा कारण, तरंग सिद्धांत के अनुसार धातु की सतह पर सभी आवृत्तियों से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। जब उस पर पर्याप्त तीव्रता का प्रकाश पड़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ाएं। इसका अर्थ यह हुआ कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, चाहे आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम क्यों न हो। पुनः यह प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम के विरुद्ध है, क्योंकि नियमानुसार धातु की सतह पर दहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर ही
इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। तीसरा कारण, जब धातु की सतह पर प्रकाश तरंग के रूप में आपतित होता है तो उसकी ऊर्जा किसी एक नियत इलेक्ट्रॉन को नहीं मिलती, वह सभी इलेक्ट्रॉनों में सतह पर समान रूप से वितरित हो जाती है। इस वितरण में कुछ समय लगता है, अतः सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में भी समय लगना चाहिए, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव के अनुसार आपतित प्रकाश से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय नहीं लगता है। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन को प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत से समझाते हैं, तरंग सिद्धांत इसे नहीं समझा सकता। प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटॉन। प्रकाश के विद्युत प्रभाव ने इस विलक्षण तथ्य को प्रमाणित किया कि प्रकाश किसी द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे यह क्वांटा अथवा ऊर्जा के पैकेट जिनमें प्रत्येक की ऊर्जा एच न्यू है का बना हो। आइंस्टीन एक महत्वपूर्ण परिणाम पर पहुंचे कि प्रकाश क्वांटम को संवेग एच न्यू बटे सी से संबद्ध किया जा सकता है। ऊर्जा के साथ साथ संवेग का एक निश्चित मान इसका प्रबल सूचक है कि प्रकाश क्वांटम को कण से संबद्ध किया जा सकता है। इस कण को बाद में फोटॉन नाम दिया गया। हम विद्युत चुंबकीय विकिरण के फोटॉन के महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित हैं। पहला, विकिरण के द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया में विकिरण इस प्रकार व्यवहार करता है मानो यह ऐसे कणों से बना हो जिन्हें फोटॉन कहते हैं। दूसरा, प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर एच न्यू होती है और संवेग P बराबर एच इंटू न्यू बटे सी तथा चाल C होती है जहां C प्रकाश की चाल है। एक निश्चित आवृत्ति न्यू अथवा तरंग लंबाई लैम्डा के सभी फोटानों की ऊर्जा E बराबर एच न्यू बराबर एच सी बटे लैम्डा और संवेग P बराबर एच न्यू बटे सी या एच बटे लैम्डा एक समान होते हैं, विकिरण की तीव्रता चाहे जो भी हो। किसी दी गई तरंग लंबाई के प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर केवल किसी दिए गए क्षेत्र से गुजरने वाले प्रति सेकंड फोटानों की संख्या ही बढ़ती है। सभी फोटानों की ऊर्जा एक समान होती है, अतः फोटान की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। फोटान विद्युत उदासीन होते हैं और विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होते। फोटान कण संघट्य, जैसे कि फोटान इलेक्ट्रॉन संघट्य में कुल ऊर्जा तथा कुल संवेग संरक्षित रहते हैं, तथापि किसी भी संघट्य में फोटानों की संख्या भी संरक्षित नहीं रह सकती। फोटान का अवशोषण हो सकता है अथवा एक नया फोटान सृजित हो सकता है। छठवां, फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। सातवां, अलग अलग माध्यम में फोटान की चाल अलग अलग होती है। आठवां, फोटान की आवृत्ति विकिरण देती है जिसकी निश्चित ऊर्जा या रंग होती है जो माध्यम के बदलने से नहीं बदलती है। फोटान एक निश्चित चाल सी से अंतरिक्ष में चलता है।